हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपना यूट्यूब चैनल मोर क्रिएटिव पर स्वागत है। आइए जाने किसानों के लिए खुशखबरी। 1 फरवरी 2019 को केंद्र सरकार बजट पेश करेगी और केंद्र सरकार का ये आखिरी वा बजट होगा। इस बजट में किसानों के लिए केंद्र सरकार 1.5 लाख करोड़ की योजनाओं का ऐलान कर सकती है। जानते हैं पूरी योजना, पूरा अपडेट। यदि आपको अपडेट अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल मोर क्रिएटिव क्रिएट बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें तथा अगले अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्रता से मिले। तो शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार और आम चुनाव से पहले किसानों की समस्या को बड़ा मुद्दा बनाने की विपक्षी दलों की कोशिश के बीच बीजेपी सरकार पर इसका ज़्यादा दबाव पड़ा है। इसलिए सरकार आनन फानन में इस बजट में ये फैसला ले सकती है। मोदी सरकार अब वित्तीय घाटे को नियंत्रण में रखने के प्रति बहुत सावधान रही है और कुछ हद तक इसमें सफलता भी मिलती रही है, लेकिन मेगा पैकेज के ऐलान के बाद इस पर असर पड़ सकता है। सूत्रों के अनुसार इस मेगा पैकेज पर 1 से 1.5 लाख करोड़ तक का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। मतलब किसानों के लिए जो योजना ऐलान करेगी सरकार, उस पर सरकार को 1 से 1.5 लाख करोड़ तक का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। लेकिन सरकार ने कहा है इससे सरकार के खजाने में कोई असर नहीं होगा, क्योंकि रिजर्व बैंक इस बार 50,000 करोड़ रुपये का सरकार को बोनस देने वाली है, तो उससे सरकार ये सब चीज़ वहन कर सकती है। इसका भी मैं अपडेट आपको दूंगा आगे। तो हम देखते हैं, चुनाव से पहले मोदी सरकार किसानों को रिझाने की हर कोशिश कर रही है। किसानों को रिझाने के लिए सरकार ने एक बड़ा प्लान भी बनाया है, जिसका सरकार अब किसी भी समय ऐलान कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार इस योजना को पूरी तरह तैयार कर चुकी है और 1 फरवरी को बजट से पहले इसका ऐलान होने की उम्मीद की जा रही है, या साथ ही बजट में इसके लिए प्रावधान रखे जा सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है अगर सरकार इस बजट में इन योजनाओं को ऐलान कर दे तो किसान खुश हो जाएगा और किसान को थोड़ी सी राहत मिल सकती है। प्रस्तावित पैकेज को नीति आयोग और वित्त मंत्रालय से भी हरी झंडी मिल चुकी है। वह इस पैकेज की खास बात यह है कि किसानों को राशि डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र अर्थात DBT के तहत सीधे खाते में डाली जाएगी। यह ओडिशा और तेलंगाना मॉडल के जैसा है। इसके अलावा कुछ खास समय तक ब्याज मुक्त लोन तक का लोन दिया जाएगा, मतलब 2 लाख रुपए आपको बिना ब्याज के भी दिया जा सकता है इस पैकेज में। किसानों को खास तरह का बोनस देने का ऐलान भी हो सकता है और जैसे ही ऐलान होगा उसके बाद ऐलान होते ही इसे अमल में लाया जा सकता है। अब मैं आपको बताऊं, ओडिशा और तेलंगाना सरकार किसानों के लिए किस हिसाब से योजना बनाई है, ताकि वे सरकार हमेशा जीतती आ रही हैं, और हम देख लेते हैं उनकी क्या योजना है। तेलंगाना सरकार की किसान हितैषी योजना, तेलंगाना सरकार ने जो योजना बनाई है उसका नाम है रैतु बंधु योजना। इसके तहत तेलंगाना सरकार प्रत्येक लाभार्थी किसान को हर फसल के मौसम से पहले प्रति एकड़ 4,000 रुपये का निवेश सहायता प्रदान करती है। इसका उद्देश्य किसान को बीज, उर्वरक, कीटनाशकों और खेत की तैयारी पर आने वाली लागत संबंधी खर्चों में सहायता प्रदान करता है। मतलब प्रत्येक सीजन में अर्थात रबी और खरीफ में हर किसान को 4,000 रुपये की सहायता देती है। इसका मतलब हुआ कि लगभग पूरे वर्ष किसान को 8,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से देती है, जिसका उपयोग अपनी फसल के समय करता है। अब हम देखते हैं उड़ीसा सरकार की किसान हितैषी योजना। इसे उड़ीसा कालिया योजना भी कहा जाता है। प्रदेश के किसानों को ₹50,000 तक के फसल ऋण पर कोई ब्याज नहीं देना होता। इस योजना के अंतर्गत उड़ीसा राज्य के किसान एवं खेतीहर मजदूर किसानों को ₹10,000 की वित्तीय सहायता राशि फसल के उपज के लिए प्रदान की जाएगी और ₹10,000 की ये राशि किसानों को रबी एवं खरीफ की फसल के मौसम में वर्ष 2 बार ₹5,000 राज्य के कृषि विभाग द्वारा प्रदान किया जाएगा। अर्थात किसानों को ₹5,000 हर सीजन में सरकार, चाहे वो रबी सीजन हो या फिर खरीफ सीजन हो, किसानों को देती है, जिसका उपयोग खेतों में फसल की उपज हेतु खाद्य, बीज, पानी एवं बिजली के खर्च से निपटने के लिए किसान कर सकते हैं। ब्याज माफ़ करने का है जो वक्त पर कर्ज चुका देते हैं। अभी जिन राज्यों में
कांग्रेस की नई सरकार बनी है उनमें जो डेली या करेंट में कर्ज चुका रहे हैं उन किसानों का लोन माफ़ी नहीं हुई है, इसलिए सरकार इस विकल्प को ऐड करके और लाभ प्राप्त कर सकती है जिससे सरकार को 15,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा। तो कोई बात नहीं, ये सरकार जनता का ही पैसा है और जनता के लिए खर्च करे, इससे कोई असर नहीं होता। दूसरा विकल्प हम देखते हैं, कृषि मंत्रालय ने दूसरा विकल्प प्रीमियम माफ़ी का दिया है जिसके तहत खाद्य उपज के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लेने वाले किसानों का प्रीमियम पूरी तरह से माफ़ करता है। तो इस प्रकार से दो विकल्प और सरकार ने जोड़ दिया है और इन सारे विकल्पों पर अगर सरकार काम करती है तो किसानों को काफ़ी हद तक राहत मिल सकती है। हालांकि सरकार ने दावा किया है कि इससे सरकार की वित्तीय सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सरकार को उम्मीद है कि बहुत जल्द रिजर्व बैंक से उसे 50,000 करोड़ से अधिक का बोनस मिलेगा जिसका खर्च वह इस राहत पैकेज पर कर सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार के पास किसी भी नई योजना को लागू करने के लिए बहुत कम समय बचा है। उपाय ऐसा करना होगा जिसे कम समय में तेजी से लागू किया जा सके और चुनाव में इसका फायदा मिल सके। इस प्रकार से किसानों के लिए सरकार 1 फरवरी को इन योजनाओं का ऐलान कर सकती है, आपको काफ़ी हद तक मदद मिल सकेगी और सरकार को लोकसभा चुनाव में लाभ मिलेगा। इस प्रकार से अपडेट था। यदि आपको अपडेट अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल मोर क्रिएटिव ग्रेट बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें तथा अगले अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्रता से मिले। तो मिलते हैं सर अगले इसी प्रकार आपके काम की खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ हो।